छड़ी उम्र बचपन का दिल बचपन का इसी को लेकर इस समय हम लोग झिंगुर बाबा के पास आए हुए हैं। यहाँ पर झिंगुर बाबा बैठे हुए हैं, दाढ़ी मोछ सब रंगे हुए हैं सफेद रंगों से, जिनका एक गाना काफी तेजी से वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। उसमें हर बच्चे इस समय शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं पूरे भारत वर्ष में, आउट ऑफ कंट्री में भी इस समय काफी ज्यादा वायरल हुआ है, कई मिलियन में इसका व्यू भी जा रहा है और यहाँ पर काफी खुश है इस समय झिंगुर बाबा। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं बाबा। झिंगुर नहीं बाबा, वो गाना पहले सुना लो, गाने से शुरुआत की। मीडिया भाई पहले तो आपने मेरा नाम ही गलत, झुंगू बाबा, झुल्लुर बाबा, झुल्लुर बाबा, झुल्लुर दादा, दादा झुल्लुर दादा नाम है, मैं झुंगुर बाबा बोल दिया था, इसमें क्या लॉजिक है? झुंगुर बाबा में झुल्लुर बाबा इसमें क्या लॉजिक है, क्यों नाम रखे? लॉजिक बात ऐसी है कि माँ बाप ने अगर किसी नाम को रखे तो लॉजिक ही होता है। हाँ, माँ बाप ने ही रखा। हाँ, क्योंकि जो जन्म देता है ना, तो समझो मैं जन्म देने वाला मुझे लॉजिक ही बना के एक जन्म दिया है कि उसी का नामकरण किया हुआ है मेरे माँ बाप। और यहाँ पर आपके साथ राजवी विश्वकर्मा बैठी हुई है, इनको भी आप वायरल वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, जूम कीजिए, चेहरे पर आ रहा है ये। इनसे वो गाना पहले गवाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाल में पेंट है या ओरिजिनल है, क्या है, क्या खासियत है। गाना सुनाइए पहले। नहीं, आपने पेंट की बात किया तो लोगों का ध्यान पेंट पे करवा दिए और फिर बोल रहे हैं कि गाना सुनिए तो सस्पेंस में रहेगा आखिर लास्ट में। तो वो मेरा गाना नहीं सुनेंगे। हाँ। मेरी दाढ़ी को देखते रहे तो एक ही चीज पूछने का, या तो दाढ़ी के बारे में पूछने का, तो गाना ही सुनने का। मुझे भाई आप, आपकी मीडिया का नाम क्या है चैनल का? डबल 24। आप कहाँ से आए हैं? पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से चल के आए हैं, काफी दूर पड़ता है। आपका गाना इतना काफी वायरल हुआ है कि मैं भी इस पर 15-20 शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, रील बना चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा मुझे लगता है गाना, हर किसी को लग रहा है, काफी ज्यादा वायरल हुआ, आउट ऑफ कंट्री में भी लोग देख रहे हैं, इंडिया का छोड़ दिया। हाँ, ये बात तो। कितना खुश है? मैं मेरे को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। क्योंकि जब एक तो गाना मेरा वायरल हो रहा है, ऊपर से लोगों का प्यार मिल रहा है, ऊपर से जो ये मुस्कान लिए हुए रागनी मेरे पास में बैठी रहती है, उससे मेरे को और भी एनर्जी की फीलिंग होती रहती है, तो मेरे को खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। हाँ। तो ऐसा ही मेरे अंदर कुछ फीलिंग होता है। ये रागनी कौन है आप? एनर्जी मिलता है इसे देखकर या बात करने से, या कुछ बोल देती है मुंह से निकाल देती है तो एनर्जी मिलने लगता है? ऐसा है ना, जब से ये मेरे जिंदगी में आई, आप गलत इसका अर्थ मत निकालिएगा, जैसे हाँ मेरे लक्ष्य या मेरे करियर की जिंदगी में आई है, तब से मेरे इस बुढ़ापे में भी मेरे को जवानी का एहसास होता है, मतलब मेरी जिंदगी में चार चार लग गया। अब बूढ़े सच में है या? हाँ, क्या इसमें क्या था? ऐसा है, मेरी एक बहुत इसका रीजन बहुत लंबी कहानी। जब मैं 20 साल का था तो मुझे किसी से फील वगैरह होने लगा था, वो आपको भी हुआ होगा। क्या फील हुआ? जैसे जो बचपन में फर्स्ट टाइम होता है जवानी, वो इसकी बात, वो आप गलत दिशा में क्यों ले जाते हैं? हर इंसान को जीवन में एक बार फर्स्ट टाइम किसी न किसी से प्रेम होता है, चाहे कुत्ता ही क्यों। रागनी से हुआ था? नहीं, ये तो बच्ची समान। मैं जब 20 साल का था, इसी इसलिए प्यार करता हूँ, ये गाती बहुत अच्छा है, इसकी मुस्कान बहुत अच्छी है। इसका से हुआ प्यार तो मुझे जब मैं 20 साल का तो ठीक है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी गुजर चुकी होगी या होगी, मतलब किसी की हो गई होगी। हाँ, किसी की हो गई होगी, वो भी मेरी तरह दांत भाड़ नहीं होगा, मुंह में नकली दांत लगवा के मेरी तरह बैठी होगी। हाँ। अच्छा, वो गाना सुनाइए ना। हाँ, वो गाना सुना देते हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है।
उन पे बरसाने वाले हैं कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं मेरे दिल पर आने वाले हैं। अच्छा इसमें जो एक ट्रिक आप गाना गाते हुए बीच में रुक जाते हैं रागनी को देखते हुए, रागनी भी आपके राग से राग मिलाती है उसी समय आप रुक जाते हैं, वहाँ पर कॉमेडी थोड़ा प्रस्तुत करते हैं, उसी लिए मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुआ है। ये इसमें होता कैसा है कि मैं जब गाता हूँ हो ये मेरा साथ में भी ये भी गाती है। जब ये गाती है तो मेरे से कहीं ना कहीं एक नोट नीचे आ जाती है, उस समय शर्मा भी जाती है। तो ये शर्मा जाती को लगता है मैं मिस्टेक हो गया मेरे से, तो उसमें कुछ इस प्रकार का मेरा एक्सप्रेशन होता है। बाहों में भर के हम तुमको ऐसा ही कुछ हाँ ऐसा हुआ है ना, उसके बाद शुरू हुआ है बाहों में भर कर हम तुमको, हाँ बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं मेरे दिल बदलने वाले हैं। अच्छा ये रागनी आपकी कौन सी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस की पार्टनर है या सहयोगी क्या? ये मेरे अंदर ना जो मैं एकदम इस लाइन में टूट चुका था तो कहीं ना कहीं दिवाकर शर्मा जी जो आज जिनके गांव में आए हैं, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और सारे हमारे ग्राम सभा का, इस ग्राम सभा के लोगों का और हमारे दिवाकर शर्मा जी का बहुत बड़ा, श्री रामचंद्र जी के स्थली बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके माध्यम से या रागनी के माध्यम से ये दिवाकर शर्मा जी और रागनी जिस दिन मेरे जीवन में आए शॉर्ट कीजिए, उस दिन मेरे जिंदगी में चार चांद लग गए। तब से मैं दिवाकर शर्मा को भी कहीं ना कहीं मैं मेरे दिल में बहुत अपार प्रेम रहता है, तो अगर मैं किसी से शेयर करता हूँ अपनी बातें तो मैं दिवाकर शर्मा या रागनी से शेयर करता हूँ। कॉमेडी वाला रूप हर ब्लॉग्स में रहता है, जैसे कॉमेडी आप करते रहते हैं, मुझे भगवान ने गाने के बीच बीच में मुझे भगवान ने इंटरटेनमेंट करने के लिए ऐसा बनाया ही है, इंटरटेनमेंट अपने बॉडी को भी बना लिए हैं, चेहरे को भी बना लिए हैं। मैं मेरी नहीं बताया पेंट है या क्या है, तो मेरी औकात कहाँ की मैं कुछ बना सकता हूँ, ये तो जनता का प्यार है कि वो जैसा चाहेगी उसी रूप में आपको पसंद, जैसा आप देखेंगे ना जिसको तो उसी रूप में होता जाएगा। आप अपने पत्नी को अगर खूबसूरत रूप में देखेंगे ना कि अगर आप रोज बखान करेंगे ना आप बहुत खूबसूरत हैं, तो और ही सजने सवरने का प्रयास करेंगे। सेम टू सेम ऐसे झुलुर का भी है, तो अगर लोग बोलते हैं दादाजी आप कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं तो मेरा ये कॉमेडी जैसा ये बाल वाल होने लगता है ऐसा कुछ। अच्छा झुलुर बाबा के साथ आप भी वायरल हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं इसके साथ में वायरल हुआ हाँ, लेकिन आवाज़ तो आपका है, साथ ये दे रही है, तो ये पहले से ही अपनी छवि मैं तो बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा बाबा जब वायरल हुए, बहुत खुशी मिली और इनकी गायकी आप लोग देख ही रहे हैं, मैं एक नोट नीचे चली आई उड़ाए थे जब बाबा और हंसी लगा उसमें कॉमेडी वाला ट्यून भर दिए थे, हंसने वाला तो और अच्छा लगा, मैं खुद देखा रही थी कि कितना अच्छा है वीडियो। मैंने पहले जब वायरल हो गया ना तो लोग बोले कि रागनी फिर से वायरल बुड्ढे के साथ में हो गई, तो हम बोले क्या हुआ कौन वीडियो है, तो हम बोले लाओ देखते हैं, तो जब देखे तो मुझे खुद यकीन नहीं है कि हम लोग कैसे एक्टिंग किए और कैसे हम लोग हंसी मजा कैसे कॉमेडी वाला अनुराग कॉमेडी है उस पर हम लोग करते रहते हैं, तो हम लोग खुद नहीं सोचे थे कितना अच्छा प्यार आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा ये कौन शॉर्ट वीडियो बीच में से काट कर डाला था उतने ही गाने का? हाँ वो बेचारी कहीं ना कहीं उसका भी बेचारी का बड़ा योगदान है, बेचारी है
मेरे लिए बेचैनी ही हुई ना। हाँ, मैं तो उसको नेपाल के यहाँ टैटू सोम्या पोखरेल और जो खेसारी लाल का टैटू बनवाई थी, मुझे नाम नहीं आता, सोम्या पोखरेल, उन्होंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला, उस पे तो मैंने 40-50 मिलियन जैसा कुछ हुआ। नहीं, 16 मिलियन तो लोग रील बनाए उस पे, और 23 मिलियन मैंने देखा था व्यूअर उनकी वीडियो, जो टैटू वाली दीदी थे वो जब क्लिप डाल वो गाना का क्लिप डाले तो 27 मिलियन व्यूअर था, और 16 मिलियन लोग बनाए थे इंस्टा पे रील। चलिए 16 मिलियन 10-15 मेरा भी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई, आप दबंग 24 चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलिए बाबा, चलिए।